हाँ जाहिद जी जी जाहिद जी, जमशेदपुर के मानगो में स्वास्थ्य मंत्री ने छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री बांटा है अपने हाथों से, क्या कह रहे हैं ये स्वास्थ्य मंत्री छठ व्रतियों को? जी देखिए विनोद जी, आपको बता दें जमशेदपुर के मानगो चौक में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग उपस्थित थे और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जी को वहां पर बुलाया गया। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने अपने हाथों से जितने भी पूजा सामग्री है जो लोगों के बीच में वितरण करने का काम किया है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का कहना है पर्व काफी ढंग से सही ढंग से लोग मनाए, अच्छा से मनाए और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए मनाए और छठ घाट और नदी पर जो भी बच्चों को लौका ना जाए, इस तरह का एक मैसेज भी दिया है उन्होंने और लगातार वहां से सामग्री दो दिन जी जी और भी कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री ने? देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा एक मैसेज भी दिया है, अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया है, चाहे इतने भारी संख्या में लोगों के बीच में जो बांटा जा रहा है पूजा सामग्री, काफी खुश हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ जमशेदपुर वासियों को धन्यवाद दिया है, झारखंड वासियों को भी छठ पर्व पे एक धन्यवाद दिया है। जी धन्यवाद जय जी, खबर के लिए बने रहे जमशेदपुर से सोना न्यूज के लिए। देखिए ये लोक आस्था का महापर्व है और इस लोक आस्था के महापर्व पर हम सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि ये पर्व पवित्रता का, सादगी का, प्रेम और विश्वास का पर्व है, आस्था का पर्व है और इस पर्व में हम सभी लोग बहुत ही पवित्रता के साथ अपना पूजन करते हैं और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने कुछ छठ व्रतियों के लिए कुछ सूप वगैरह की व्यवस्था की है। मैं अपने साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं और जमशेदपुर के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि सादगी से भी, पवित्रता से भी, आस्था के साथ भी, लेकिन सुरक्षा और कोविड 19 के गाइडलाइन का भी पालन करते हुए, ऐसा नहीं हो कि दूसरे चक्र को हमने देखा है, उसके कहर को देखा है, तो थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतते हुए हमको अपने इस लोक आस्था के महापर्व को मनाना चाहिए।